साथियों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अभी कल एक वीडियो जारी किया हमने जो AIBE एग्ज़ाम 2022 को लेकर था, उसको लेकर के कई सारे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उन्होंने सवाल पूछे हैं, और इतने ज़्यादा सवाल उन्होंने पूछे, इतने ज़्यादा उनके मन में सवाल थे कि मुझे दूसरा वीडियो उस पर जारी करना पड़ रहा है। मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ों को बता दिया था, लेकिन आप लोगों ने बार बार जो सवाल किए हैं, तो और कई लोगों ने लिखा भी है, कई भाइयों ने लिखा है कि इसको विस्तार से बताएं, तो आज ज़रूरत आन पड़ी है कि मैं इस सारी चीज़ों को आपसे विस्तार में आपसे डिस्कस करूँ उन सारी चीज़ों के बारे में। तो उन सारी चीज़ों का जो डिस्कस होगा विस्तार से होगा, इसलिए इस वीडियो को जो बनाने का मोटिव है वो यही है कि इसको विस्तार से आपसे चर्चा की जाए, डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले जो जो भी हमारे जो नए दर्शक हैं, जो नए व्यूवर्स हैं चैनल पर, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए पुराने दोनों, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए लीगल अपडेट्स आप लोगों तक तुरंत पहुँचें, तत्काल से पहुँचें। दूसरा, मैं बता दूँ अपने नए दर्शकों को कि हमारा इस चैनल को बनाने का जो मोटिव था वो ये है कि हम उन गरीब और लाचार लोगों की मदद करना चाहते हैं जो वकीलों की फ़ीस के कारण या किसी अन्य मजबूरी के कारण न्यायालय में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि न्याय जो है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना ज़रूरी है, और उस ज़रूरी जो चीज़ है, ज़रूरी जो शब्द है, उसमें हमें अलग से एफर्ट करना पड़ता है। तो जो हमारा जो संविधान है वो भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और एडवोकेट एक्ट में जब हम शपथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग भी हमारा एक दायित्व बन जाता है। तो उस दायित्व के तहत हम अपने वीडियो जारी करते हैं, तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि गरीब, लाचार और ज़रूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सकें, जो मोटिव रहता है हमारा वीडियो बनाने का। तो आइए, आप ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अभी AIBE 2022 का 17वां एग्ज़ाम होना था, उसके पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के तहत उसको रोक दिया, और ये कहा कि जब तक मामले की सुनवाई ना हो जाए। एक मामले की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हो रही है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी ना हो जाए, तब तक इस मामले को कुछ ना किया जाए, कोई परीक्षा ना कराई जाए, क्योंकि अभी इस जो AIBE का जो एग्ज़ाम है, इसकी जो वैलिडिटी है, क्वेश्चन उसके ऊपर है कि ये वैलिड है या नहीं है। तो पहले वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका था, मैं सारी बातें वो यहाँ दोहराऊंगा नहीं, मैं कुछ नया बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि ये जो मसला है, ये मसला कोई नया नहीं, आज का नहीं। ये मसला जब ये पेपर शुरू हुआ 2010-11 के आसपास, उस वक्त मैं माननीय जो हमारी जो सेंट्रल बार काउंसिल है, जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब इस परीक्षा को शुरू करवाया, उस वक्त 2010 के बाद जो लोग परीक्षा LLB की देकर के आएंगे, उनके लिए ये नियम बना दिया गया कि उनको मैंडेटरी होगा, उनके लिए आवश्यक होगा कि वो अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में एज ए टेम्परेरी एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर कराएं, और फिर बार काउंसिल की परीक्षा को 2 साल के अंदर पास करें, उसके बाद अपना जो लाइसेंस है उसको आप रेगुलर करवाएं। और 2 साल में ये परीक्षा हर 6 माह पर होगी, कुल 4 बार में आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। अगर 4 बार में आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो जो शुल्क है, जो शुल्क आप जमा कर रहे हैं, जो फॉर्म आपने भरा है, वो निरस्त माना जाएगा, और उसके लिए आपको पुनः नया फॉर्म भरना होगा और नई परीक्षा में शामिल होना होगा, और उसके लिए नया सब कुछ आपको नया ही करना होगा, पुराना सब खत्म हो जाएगा। तो इसको लेकर के जब ये रूल आया, तो कई हमारे युवा अधिवक्ता साथी जो उस वक्त वकालत में आए, 10,000 सन 2010-11 के आसपास, तो जब वो लोग वकालत में आए तो उनके सामने एक नई चुनौती थी, क्योंकि पुराने जो अधिवक्ता थे उनके लिए तो ये रूल नहीं था। 2010 से पहले आपने किया, आपके लिए रूल नहीं है। 2010 के बाद अगर आपने LLB की परीक्षा को पास किया है, उनके लिए रूल था। तो उनको लगा कहीं ना कहीं ये जो नियम है वो भारत के जो संविधान है, आर्टिकल 14 का, वो वायलेशन करता है, जो समानता का अधिकार है उसका वायलेशन करता है, और आर्टिकल 19 में जो एक स्वतंत्रता दी गई मूल अधिकारों में कि कोई व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में अपना रोजगार और पेशा कर सकेगा, उसके बारे में भी जो ये चीज़ थी, जो पेपर था, ये कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता था कि जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर के आते हैं, तो उसके बाद आपको जो आपके मूल अधिकार हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो इंजीनियरिंग के छात्र हों या मेडिकल के छात्र हों,
उन्होंने जब कोई परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद उनको प्रैक्टिस करने के लिए कोई, अगर वो अपनी निजी निजी प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको कोई निजी परीक्षा पास करना ऐसा कोई रूल नहीं, वो चाहें तो कर सकते हैं। तो लोगों ने जो एडवोकेट्स लॉबी के जो जो नए जो निकल के आए थे लोग, उन्होंने ये कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उन्होंने रिट फाइल की और उन्होंने कहा कि जब प्रोफेशनल कोर्सेज में बाकी के लोग अपने आप को जो है अलग से कोई परीक्षा नहीं देते हैं, अलग से कोई शुल्क जमा नहीं करते हैं और अलग से कोई अथॉरिटी उनके लिए लाइसेंस जारी नहीं करती है तो फिर हमारे लिए क्यों। और सीधी सीधी बात यहाँ ये थी कि ये जो इसकी वैलिडिटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम की, वो लीगल है या इलीगल है, क्योंकि जो स्टेट बार काउंसिल है वो भी आपको रजिस्टर कर रहे हैं और स्टेट बार काउंसिल रजिस्टर करने के बाद आप अपनी वकालत का जो आपका प्रोफेशन है उसको कर सकते हैं। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है, जो उसका एग्जाम है, उसके बाद भी वो एक लाइसेंस आपको देते हैं, इसके बाद आप अपनी वकालत को कर सकते हैं। तो बात ये है, क्वेश्चन ये है कि एक प्रोफेशन के लिए दो बार परीक्षा और दो बार अलग अलग लाइसेंस क्यों और किस लिए, और दूसरी बार की परीक्षा ली जा रही है तो उसके लिए एक भारी भरकम शुल्क राशि क्यों। बात केवल इतनी सी थी। इसको लेकर कई सारे युवा हमारे अधिवक्ता भाई और बहनों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किए, वो रिट जो थे सैकड़ों की संख्या से ऊपर निकल गए। उनकी सुनवाई वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और उन सारी रिट्स को क्लब कर दिया गया है और उन रिट्स में कुछ शिकायतें थी, कुछ सुझाव थे, जैसे कि फीस कम होना चाहिए ये सुझाव था, पेपर खत्म होना चाहिए ये सुझाव था, और एक एक जो है काउंसिल, एक काउंसिल से आपको रजिस्टर होना है ये सुझाव था, चाहे वो स्टेट बार काउंसिल हो चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ये सुझाव था। तो वर्तमान में ये मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित चल रहा है और जब तक ये मामला लंबित है तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी, क्योंकि अभी इसकी वैलिडिटी की जाँच होनी है कि ये वैलिड है या नहीं है। तो भविष्य में हो सकता है कि ये वैलिड माना जाए या हो सकता है कि इसको वैलिड ना माना जाए, तो ये भविष्य की गर्त में है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश अपना देते हैं। लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी वैलिडिटी को अगर समाप्त कर देते हैं, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करते हैं कि बार काउंसिल का एग्जाम जो है अब नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर ये युवा जो नए अधिवक्ता हैं, उनको आने वाले अधिवक्ता, उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी का विषय होगा, हर्षोल्लास का विषय होगा। और वहीं अगर जो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सिफारिशें इसमें जो आई हैं, उन्होंने कहा है कि पेपर को क्लिष्ट कर देना चाहिए, पेपर को टफ कर देना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कर देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में आपकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल बस मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी बॉल जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और आप महसूस करते हैं कि आप कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं, आप कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिट अभी लंबित चल रही है, उन्हीं रिट्स में अपने आप प्रार्थना पत्र, अपने आप जो आपको कहना है उन रिट्स में जाकर के बीच में अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिट्स में जाकर के कह सकते हैं। देर ना करें, आपकी कोई शिकायत या सुझाव हो तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचें और अपनी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट से कह दें, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो एक सुझाव भी आप लोगों के लिए है कि तत्काल रूप से आप पहुंचें और अपनी बात को कह दें। तो इस वीडियो में इतना बस बताना चाहता था कि मामला क्यों हुआ और कैसे हुआ। आप लोगों को लगता है कुछ और रह रहा है इसमें बताने से, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।